उसके हाथों में बोतल थी और सिर पर थी सनक, फिर एक तरफा इश्क में माशूक के दर पर हुआ अग्निकांड, यही थी उस आशिक की आखिरी ख्वाहिश। नमस्कार, न्यूज स्टेट पर क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। वो लड़का एक लड़की से बेपनाह प्यार करता था, इतना प्यार कि उस लड़की के लिए जान देने को तैयार था। फिर एक रोज लड़का अपनी माशूक के दर पर पहुंच गया, हाथों में पेट्रोल भरी बोतल थी, फिर अपने आप को ही आग के हवाले कर दिया। आपको दिखाएंगे नाकाम इश्क का एक ऐसा अंजाम जिसमें सन की आशिक ने अपने ही हाथों अपनी ही जान लेने का कदम उठा लिया। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता क्विक हील, आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? बांदा में महिला को जिंदा जलाया गया, महिला के पति पर लगा आरोप, भाभी से अपने नाजायज संबंधों को छिपाने के लिए दिया था वारदात को अंजाम। हरदोई में सन की आशिक की करतूत, लड़की के दरवाजे पर पहुंचकर खुद को लगाई आग, युवक गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती। शाहजहांपुर में जाली करेंसी छापने वालों का भंडाफोड़, दो छात्रों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 500 और 200 के नकली नोट बरामद। वो सिरफिरा आशिक पहले एक लड़की के दर पर पहुंचा, हाथों में पेट्रोल से भरी एक बोतल थी, जुबान पर गाना था, फिर चौखट पर दम तोड़ने की बात कहते हुए उसने अपने आप को आग के हवाले कर डाला। हरदोई में एक तरफा इश्क कैसे एक सिरफिरे आशिक के लिए जानलेवा बन गया, क्यों वो शख्स एक लड़की के दर पर जाकर मरने का फैसला कर लेता है, प्यार में नाकाम हुए उस आशिक ने एक लड़की की मोहब्बत में आखिर क्यों ऐसा कदम उठाया, सब कुछ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। एक तरफा इश्क का खतरनाक अंजाम, लड़की के दर पर किया खुदकुशी का फैसला, नाकाम इश्क की आग में झुलसा युवक, आशिक की आखिरी ख्वाहिश। वो एक तरफा इश्क में अंधा हो गया, अपनी माशूक को पाने की ख्वाहिश में इस कदर बेचैन कि उसके दर पर मौत को गले लगाने पहुंच गया। ये किस्सा है हरदोई जिले का, जहां एक सिरफिरे आशिक ने अपने इश्क में नाकाम होने के बाद चुना मौत का रास्ता। जला हुआ जिस्म है, सुलगा हुआ दिल है, जिस्म पर इश्क के अनगिनत दाग हैं। ये इश्क में नाकामी का ऐसा सिला है जो एक आशिक ने अपने आप को दिया, वो आशिक जिसको अपनी माशूक को ना पाने का गम इतना खला कि उसने जिंदगी की जगह मौत को चुनने का फैसला कर लिया। जिला अस्पताल के स्ट्रेचर पर बदहवास हालत में लेटे इस शख्स को हम दिखा तो नहीं सकते, लेकिन इसने अपने इश्क में नाकाम होने के बाद जो रास्ता चुना उसकी दिल दहला देने वाली कहानी बता जरूर सकते हैं। स्ट्रेचर पर तड़पते इस शख्स का नाम अमन है, जिसने अपने प्यार में नाकामी और अपनी माशूक को हासिल न कर पाने के गम में मौत का रास्ता चुना और फिर अपनी माशूक के दर पर खुद को आग के हवाले कर लिया। इश्क में अंधा हुआ वो शख्स अपने प्यार के पीछे जीने मरने को तैयार था, जिस लड़की के साथ वो जीने के ख्वाब देखता था उसको हासिल न कर पाने का जुनून उसके दिलो दिमाग को अंधा बना देता है और फिर अपनी नाकाम इश्क की दास्ता को गुनगुनाते हुए वो शख्स हरदोई जिले के शाहबाद कस्बे में पहुंचा।
हाथ में पेट्रोल से भरी बोतल थी, जुबा पर इश्क में सात चीने और एक दूजे के लिए मरने के तराने थे, और फिर अपने इश्क में नाकाम उस आशिक ने खुद को आग के हवाले कर लिया। ये युवक का नाम है अमन, पुत्र राजू, ये भागलखेड़ा थाना रौजा शाहजहांपुर का रहने वाला है। ये कस्बा शाहबाद में एक लड़की के घर के सामने आग लगा ली। जिस लड़की का प्यार पाने के लिए अमन ने खुद अपनी जान लेने का फैसला किया, उस लड़की के साथ अमन का प्यार पहले भी परवान चढ़ चुका था। दोनों ने साथ मिलकर घर छोड़ा था, तब भी लड़की ने अमन का साथ दिया, लेकिन वो अपने परिवार के साथ वापस आ गई। मगर अपने प्यार में नाकाम अमन अपनी मोहब्बत को पाने का ख्वाब देखता रहा, और फिर एक रोज उस अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए अपनी माशूक के दर पर पहुंचा और मौत को गले लगाने के लिए अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इसमें यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि पूर्व में इस लड़की ने, लड़की के पिता ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें बयान हुआ था 164 का कोर्ट में, और उसने लड़के के पक्ष में ही बयान किया था और माँ बाप के साथ चली गई थी। उसने ये कहा था कि हमको किसी ने नहीं भगाया, और उसी को लेकर एक तथ्य भी प्रकाश में आया है कि एक तरफा प्यार में इसने आग लगा ली। फिलहाल अमन अस्पताल में है, उसकी हालत नाजुक है, एक तरफा प्यार के दागों ने उसके जिस्म को छलनी कर दिया है, लेकिन मोहब्बत के नाम पर जान देने का कदम अमन ने सरेआम उठाया। उसके बाद किस्से को सुनने वाला हर शख्स यही सोचने को मजबूर है कि एक तरफा इश्क का अंजाम आशिक को किसी भी मुकाम तक ले जा सकता है। क्राइम कंट्रोल के लिए हरदोई से आमिर खान के साथ टीम न्यूज स्टेट। वो लोग पहले आपको लोन का लालच देंगे, किफायती ब्याज में लोन का लोभ दिया जाएगा, 10 मिनट में लोन पास करने की बात कही जाएगी, लेकिन ये लोन का लालच आपके गले का फंदा बन जाएगा। उनके हाथ में पहुंच जाएगी आपकी पर्सनल फोटो, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, इसके बाद होगी लोन की दोगुनी वसूली, और फिर शुरू हो जाएगा ब्लैकमेलिंग के लिए ये जाल पे फंसाने का पूरा सिलसिला। साइबर ठगी करने वाले उन शातिरों के गिरोह का मकर जाल कितना खतरनाक है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहले देते हैं किफायती लोन का झांसा, लोन के झांसे में फंसाकर शुरू होता है खेल। अश्लील फोटो बनाकर किया जाता है ब्लैकमेल। दोगुनी रकम की वसूली, फिर मांगते हैं रंगदारी। क्लिक करते ही बना लेते हैं अपना शिकार। अगर आप 10 या 20 हजार रुपए के लोन के लिए किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि साइबर अपराधी उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपसे लोन के पैसे की दुगनी कीमत तो वसूल करेंगे ही, साथ में आपकी फोटो को ब्लर करके अश्लील फोटो बनाकर आपसे रंगदारी भी मांगेंगे। सस्ते लोन के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगने वाले साइबर शातिरों के निशाने पर हर वो शख्स है जिसने इनकी ऐप को डाउनलोड कर लिया है। फोन से फोटो को निकालना, उन फोटो की मदद से नकली अश्लील तस्वीरें तैयार करना और फिर उन तस्वीरों का डर दिखाकर लोगों को ठगना, ये धंधा है उन साइबर ठगों का जो ऐप के जरिए लोगों को लोन देकर रंगदारी वसूलते हैं। इन साइबर ठगों की जड़ें कहां कहां तक फैली है, इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि बीते चंद रोज में दिल्ली NCR के अंदर 150 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। अभी हमारे थाने में जो है इस समय करीब NCR पोर्टल पर 150 करीब लोन ऐप के नाम पर शिकायतें आ चुकी हैं कि लोन ऐप डाउनलोड करने के बाद दुगना, मतलब लोन दे कम लिया लेकिन उसका दुगना पैसा ले भी ले रहे हैं, उसके बाद उनके कॉन्टेक्ट से मतलब उनके फोटोज को, उनके जितने कॉन्टेक्ट लिस्ट में सबको मतलब माफ करके अश्लील फोटो बना करके उनको जो है उनको भेजा जा रहा है, इस तरह की बातें आई हैं हमारे यहाँ।
सिर्फ नोएडा जिले की ही अगर बात की जाए तो ऐप के जरिए लोगों से ठगी करने वाले उन छात्रों की शिकायतों की फेहरिस्त हर बीते रोज के साथ लंबी होती चली जा रही है। लोन देकर दोगुनी रकम वसूलना और फिर ब्लैकमेल करके लोगों को ठगना, इस गिरोह का धंधा हर गुजरते दिन के साथ शहर में अपने पैर पसार रहा है। नोएडा के साइबर सेल थाने की अगर बात की जाए तो इस थाने में रोजाना 5 से 6 शिकायत इसी तरीके की आ रही हैं, जहां लोगों ने 8 से 10 हजार का लोन लिया, उस लोन की डबल कीमत चुकाई और उसके बाद उनको उनकी फोटो को ब्लर कर अश्लील बनाकर उनसे पैसे की वसूली रंगदारी की जा रही है और उनके रिश्तेदार और दोस्तों को वो फोटो भेजे जा रहे हैं। इस तरीके के मामले लगातार अगर बात की जाए तो 160 से ज्यादा मामले नोएडा पुलिस और एनसीआर के इलाकों में सामने आ चुके हैं। ठगी करने वाले साइबर अपराधियों का तरीका भी पूरी तरह हाईटेक है। मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते ही छात्रों के पास आपके मोबाइल में सेव कॉन्टैक्ट से लेकर आपके फोटो सब कुछ पहुंच जाती है। उसके बाद उन फोटोज को अश्लील रूप देकर रंगदारी मांगने का धंधा चलाया जाता है। क्योंकि आप जब लोन ऐप लेते हैं तो आप जब डाउनलोड करते हैं तो आप वो एक्सेस मांगता है, तो उसमें आप कॉन्टेक्ट एक्सेस, अपना गैलरी का भी एक्सेस देते हैं। जब आप देते हैं तो आपकी गैलरी के सब कुछ उनके पास चला जाता है। आपके वीडियोस को माफ करके किसी और साथ अटैच करके आपके अश्लील वीडियो आपके जानकारों को सबको या वो सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। इस तरह की धमकी देकर के आपसे पैसा लेते हैं वो, और इस तरह की शिकायतें बहुत ज्यादा आ चुकी हैं। और इसमें यहाँ तक कि आ गई, बहुत से लोग ऐसे हैं वो डिप्रेशन में आ गए हैं और कई लोग तो है कि सुसाइड करने की बात भी करने लगे थे। वो लोग जो इस तरह की ऐप का शिकार हुए अपने लोन की दोगुनी रकम भरने के बाद भी पैसे चुका रहे हैं। लोन देकर लोगों को लूटने के इस फर्जी धंधे में कोई एक आधा नाम शामिल नहीं, बल्कि साइबर साजिश के तहत लोगों को ठगने वाली 274 से ज्यादा ऐप्स की पहचान अब तक की जा चुकी है, जिनका काम ही है लोगों को लूटना। अभी हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा 274 लोन ऐप हैं जो कि अभी उनके स्कैनिंग में है और उन्होंने उसको पाया कि ये फेक हैं और उसके लिए आरबीआई को उन्होंने पत्राचार किया गया है कि इनको बंद करा दिया जाए। लोन का झांसा, पैसों का लालच और लोगों से लूट, ऐप कब गले का फंदा बन जाता है शिकार ये समझ ही नहीं पाता। फिलहाल कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन लगातार फैलते लोन के मकर जाल से बचने के लिए आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल आरबीआई से इन ऐप को लेकर जानकारी मिलने के बाद तमाम ऐप को बंद कर दिया जाएगा। साइबर क्राइम थाना पुलिस इस बात की भी लोगों से अपील कर रही है कि वो ऐसे ऐप के झांसे में ना फंसे और अगर उनको कोई लोन चाहिए तो उसके लिए वेरीफाइड आरबीआई द्वारा जो भी ऐप हैं या बैंक हैं वहां से लोन ले। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। वो रात को अपने घर से खेत की तरफ निकला, लेकिन रास्ते में चंद लोग घात लगाकर बैठे हुए थे और फिर खेत जाते वक्त रात के अंधेरे में घात लगाकर बैठे उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। ये वारदात हुई इटावा के सैफई थारा इलाके में, जहां जमीन को लेकर चल रहा विवाद पूर्व प्रधान की मौत की वजह बन गया। वो दबंग जिन्होंने पूर्व प्रधान का कत्ल किया वो लोग पहले भी हत्या की धमकियां दे चुके थे, फिर एक रोज उन लोगों ने मिलकर अपनी धमकियों को हकीकत में बदल डाला। जमीन का एक टुकड़ा कैसे कत्ल की वजह बन गया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जमीन के विवाद में हुई हत्या, मामूली झगड़े में उतारा मौत के घाट। पहले दी धमकी, फिर कर दिया कत्ल। पूर्व प्रधान की मौत से सनसनी। कत्ल की एक वारदात ने इटावा जिले के सैफई इलाके को दहला दिया। कत्ल की इस वारदात को दो बदमाशों ने मलकर अंजाम दिया, जिन्होंने जमीन को लेकर चल रहे विवाद में गांव के पूर्व प्रधान को मौत के घाट उतार दिया।
कल रात में लगभग 9 बजे सूचना आई थी कि लाडमपुर गांव है, यहाँ के पूर्व प्रधान जो 2005 से 10 तक प्रधान रहे हैं, इनकी हत्या हो गई है। इस पे मौके पे हम लोग गए थे, ISPRA गए थे, CO सफाई गए थे, मैं गया था। तेरह जुलाई की रात करीब 9 बजे उस गांव में अचानक हलचल मच गई, जब चंद बदमाशों ने शख्स पर जानलेवा हमला किया। उस हमले में चंद बदमाशों ने गांव के पूर्व प्रधान राम किशन का बेरहमी से कत्ल कर दिया। वारदात के पीछे वजह थी जमीन को लेकर चल रहा विवाद, और विवाद के चलते दो बदमाशों ने मिलकर पूर्व प्रधान का कत्ल उस वक्त कर दिया जब राम किशन अपने खेत की तरफ जा रहे थे। और ये दाऊ ने मेरा खेत लिया था राम बहादुर का, ये कब्जा नहीं छोड़ रहा था, इसने धमकी दी थी मारने की, इसने राम बहादुर और गुड्डू ने इनने कुलाड़ी से हत्या की है। जनवेद गुड्डू और अब जनवेद गांव के ही है। हाँ, ये राम बहादुर है हीरापुर का और जनवेद है वो शिवपुरी का, इनने जान से मार दिया। कैसे मारा आप लोगों को, कैसे जानकारी हुई? जानकारी हम सर हम पीछे से अपने दाऊ के 100 मीटर की दूरी पे 8 बजे का टाइम था, मैंने देखा था राम बहादुर को और शिव गुड्डू को, इन्हें मारा कुलाड़ी से। मृतक राम किशन ने कुछ वक्त पहले गांव के ही राम बहादुर नाम के एक शख्स से खेत खरीदा था, लेकिन मुलजिम राम बहादुर खेत से कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं था। इस बात पर विवाद हुआ तो राम बहादुर ने जान से मारने की धमकियां भी दी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि वो धमकियां एक रोज हकीकत में बदल जाएंगी। और फिर 13 जुलाई की रात कत्ल की फिराक में बैठे राम बहादुर ने अपनी धमकियों पर अमल करते हुए कत्ल कर दिया। वारदात की खबर जब राम किशन के घर वालों तक पहुंची, तो उनका बेटा मौका वारदात पर गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये खेती का विवाद था और कई दिन पहले इन्हें धमकी दी थी मारने की कि तुझे खेत जोतने से पहले हम खत्म कर देंगे। क्या नाम था उसका? उसका नाम था राम बहादुर। कौन लोग हैं ये लोग? ये संकवार यानी कोरी परिवार के या गांव के? दूसरे गांव के हैं, हीरापुर के। जमीन के विवाद में दो बदमाशों ने एक शख्स का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। वो दबंग इतने बेखौफ थे कि पहले धमकियां दी और फिर एक रात हथियारों के साथ पहुंचे बदमाशों ने बहुत ही बेरहमी से पूर्व प्रधान को मौत की घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और कत्ल में उसके साथ शामिल उसका साथी वारदात के बाद से फरार चल रहा है। इसमें जो बात निकल करके आ रही है कि एक व्यक्ति है जिसको इन्होंने 2 बीघा जमीन लिया था, वो इनके नाम से आ गया था, वो कब्जा नहीं दिया था। ये भी तथ्य आ रहा है कि उन्होंने 7 दिन पहले उस जमीन को नापने के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया था तहसील में, उस पर कार्रवाई चल रही थी। तो अभी तक ये निकल के आ रहा है कि उसी जमीनी विवाद को लेकर के हत्या हुई है। 2 लोगों को लोगों ने नामजद कराया था, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हो गई है, दूसरे का गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस इसमें विवेचना कर रही है। जो सही तथ्य होगा उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इटावा में कत्ल के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। वो बदमाश जो अभी तक धमकियां दे रहे थे, वो इतने बेखौफ हो गए कि पूरे गांव के सामने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल सुरागों का पीछा करते पुलिस मुलजिमों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। राम किशन का परिवार कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए इटावा से अनु चौरसिया के साथ टीम न्यूज उस्टे। वो तीन भाई रात को एक साथ जा रहे थे, लेकिन फिर घात लगाए कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से लैस वो लोग तीनों भाइयों पर टूट पड़े। 2 भाई तो वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन अंकित नाम का एक भाई उन बदमाशों के हत्थे चढ़ गया। शामली में उस मर्डर के बाद से इलाके में दहशत फैल गई है। रात के अंधेरे में हुए कत्ल की उस वारदात का पूरा सच क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बेखौफ दबंगों ने युवक को बनाया निशाना। बेरहमी से कर दी गई युवक की हत्या। तीन भाइयों पर बदमाशों ने किया हमला।
वारदात के बाद आरोपी बदमाश फरार। जंगल में किया गया बेरहमी से कत्ल। एक घर के अंदर मातम का माहौल है, खामोश जुबानों पर कई सवाल हैं, नम आंखें अपने लाल को ढूंढ रही हैं। ये मंजर है शामली जिले के एक छोटे से गांव भनेरा की, जहां मामूली से विवाद में चंद बदमाशों ने तीन भाइयों पर जानलेवा हमला किया और एक को मौत के घाट उतार दिया। जनपद शामली के थाना कांधला अंतर्गत कल रात में एक हत्या का घटना वहां घटित हुआ है। तो पुलिस को सूचना मिली कि एक दिनेश नामक व्यक्ति जो अपने दो भाइयों के साथ कांधला से भनेड़ा अपने गांव जा रहा था, रास्ते में कनियान और भनेड़ा के बॉर्डर पे वो कुछ व्यक्ति वहां पहले से मिले और मिलने के बाद लाठी डंडों से उसके ऊपर हमला किया, जिसमें वादी और उसके भाई भाग गए। एक व्यक्ति जो अंकित जो मृतक है, इसकी उन लोगों द्वारा वहां पीट करके इसकी हत्या कर दी गई है। तेरह जुलाई की रात वो तीन भाई शामली के कांधला गांव से अपने घर बनेटा की तरफ निकले थे, तभी रास्ते में खात लगा कर बैठे चंद बदमाश ने उन तीनों पर हमला कर देते हैं। दो भाई तो किसी तरह मौके से बचकर निकल गए, लेकिन अंकित को उन बदमाशों ने घेर लिया। लाठी डंडों से पीट पीट कर अंकित को मौत के घाट उतार दिया गया और फिर मौकाए वारदात से फरार हो गए। कत्ल की खबर मिलने के साथ ही मौकाए वारदात पर पुलिस की टीम पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की गई। इस सूचना के प्राप्ति पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंच करके नियमानुसार उसमें उच्चाधिकारी स्तर से भी मौका मुआयना किया गया था। डेड बॉडी को पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया था। मृतक के भाई के द्वारा दी जो तहरीर दी गई, उसके आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अंकित की हत्या के बाद से उसका पूरा परिवार सहमा हुआ है। अपने बेटे की मौत के बाद बेचैन पिता ने कत्ल की वारदात से पर्दा उठाया। कत्ल की इस वारदात की कड़ियां जुड़ती हैं बीती 11 तारीख से उस रोज अंकित और उसके कातिलों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। हालांकि विवाद तो निपट गया, लेकिन उसके कातिलों ने दिल ही दिल में अंकित से रंजिश रख ली थी। कई दिन पहले बैठे दिशा आता वहाँ से रोला रुका कहना सुनना हो गया। अच्छा, कहना सुनना हो गया तो अगले दिन फिर हम कहना भाई तो ऐसी जगह जाना करो, कहना ठीक। तो इतना अगले दिन इकट्ठे हुए और होर न भी करे तो उनमें प्यार मोहब्बत बन गए। कहना भाई कोई रंजिश नहीं एक दूसरे को और अपना करो खाओ। 11 जुलाई को हुए झगड़े के बाद अंकित के परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत तो दर्ज नहीं कराई, लेकिन उसके दुश्मनों ने झगड़े का खूनी बदला लेने का फैसला जरूर कर लिया था। और फिर 13 जुलाई की रात मौका पाकर अंकित और उसके भाइयों पर जानलेवा हमला किया गया। प्राथमिक रूप से जो बातचीत हुई उसके आधार पर जानकारी हुई कि अभी 11 तारीख को इन्हीं लोगों के मध्य आपस में कुछ कहा सुनी हो गई थी, जिसको आपसी स्तर पर इन लोगों ने निपटा लिया था और उसको पुलिस की कोई सूचना नहीं दी गई थी। और इसी को देखते हुए जो 11 तारीख को इनके बीच में आपस में कहा सुनी हुई थी, इसी आधार पर मृतक की हत्या की गई है। प्रकरण में टीमें बना दी गई है और इसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी कराई जाएगी। जुर्म को अंजाम देने के बाद मुलजिम मौकाए वारदात से फरार हो गए। अंकित का परिवार अपने बेटे के कातिलों को पहचानता है। अंकित के बूढ़े पिता ने वारदात को अंजाम देने वालों के नाम का खुलासा भी किया, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। अर्जुन के नाम विनीत पंकज। हाँ, गांव के है। आपने पुलिस को तहरीर दी है? हाँ जी। चंद रोज पहले हुए एक झगड़े में एक शख्स की मौत की वजह बन गई। वो कुछ बेखौफ बदमाशों ने उस शख्स का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। फिलहाल मुलजिम वारदात के बाद से फरार है। पुलिस कातिल को तलाश कर रही है।
और सहमा हुआ अंकित का परिवार अपने बेटे के साथ इंसाफ की मांग कर रहा है। उसके कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने की गुहार लगा रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए शामली से इकराम राणा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।